चुनाव का बिल्कुल भुकने वाला है और चुनाव की तैयारी है और वर्तमान में जो जन जागरण राजधानी राज्य के हरमू स्थित पार्टी मुख्यालय से जन जागरण पद यात्रा हेतु एलईडी वैन को पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष एवं गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष ने जन जागरण अभियान के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा पिछले 5 वर्षों में झारखंड के लोगों को जो आश्वासन दिया गया वह आश्वासन एक भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है और राज्य सरकार के द्वारा राज्य के लोगों को दिए गए वादे जो पूरा नहीं हो पाया है उन्हें ही इस जन जागरण अभियान के तहत रखा जाएगा। चुनाव का बिल्कुल भुकने वाला है और चुनाव की तैयारी है और वर्तमान में जो जन जागरण अभियान का उद्देश्य है कि पिछले 5 साल में जो वर्तमान सरकार के द्वारा जो झारखंड के लोगों को आश्वासन दिया गया जो एक भी वादा नहीं पूरा किया गया उन सारे विषयों को लेकर हम लोग सरकार के विरुद्ध में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विरुद्ध में लोगों के बीच में जाएंगे और यह लोगों को जगाएंगे लोगों को संदेश देंगे कि ये सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ा है और जिस प्रकार वादा खिलाफी 5 साल जो वादा करके जो मुकरे हैं बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए इस तरह से कई एक विषय हैं जो इनके द्वारा नहीं किया गया और फिर से झूठा वादा फिर से चुनाव आ रहा है तो फिर से झूठा वादा करके लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए जन जागरण के माध्यम से हम लोग हर एक गांव तक हर एक पंचायत तक हम लोग जनता के बीच में पहुंचे। कर लीजिए नूतन भैया गरीब के घर में 4 से 7 हजार रुपया।